हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V29 5G फ़ोन है, तो वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को कैसे रिबूट कर सकते हैं वो भी बिना बटन्स के, और कैसे फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे विदाउट बटन वीवो फ़ोन को, तो आज हम बताने वाले हैं कि रिबूट कैसे कर सकते हैं फ़ोन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आइकन से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे तो नहीं जाना, आपको जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से आ जाएगी, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। तो आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। स्लाइड करना है, स्लाइड करते हैं और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाना है। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट आइकन से आ जाएगा, इस पर इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और अलाउ करते ही आप इस ऑप्शन के जरिए फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे। सिंपली आप पावर बटन्स पे क्लिक करते हैं, तो इस ऑप्शन के जरिए जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा। इस पे क्लिक करके फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे, बस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट ऑप्शंस पे, और फ़ोन को आप रिबूट कर पाएंगे बिना बटन्स के, और पावर ऑफ भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेटिंग्स का यूज़ करके बिना बटन्स के इस ऑप्शन के जरिए फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो